मामी आ जाएगी। तो डरता हूँ मामी से मैं। बच्चे आ जाएंगे। अच्छा है, माँ बाप को एक साथ देखेंगे, खुश हो जाएंगे। आप प्लीज छोड़िए ना, प्लीज। क्या, मैंने कब पकड़ा है तुम्हें? इसलिए जो मैंने आपको दो मार्क्स दिए थे ना, वो भी कैंसिल। यार मैंने तुम्हारी बात मान तो ली, तुमने कहा छोड़ो तो छोड़ दिया मैंने तुम्हें, अब क्या किया मैंने? इसलिए जीरो, सिर्फ आ जाएंगे। हेलो, क्या मतलब आप लोगों ने नवेली के लिए लड़का ढूंढ लिया? बहुत अच्छा नेटवर्क है आप लोगों का यार। आपको मैं मिलता हूं मेरे रेस्टोरेंट पे। ए, वो ये याला, अब क्या करूं? मैं नील को बता दूं कि नवेली और बुबू भैया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अल्लाह मियाँ, ये क्या हो गया भूपेंद्र को? एक तो नील भैजी के सामने उसने कुछ बोला नहीं, अब और अब मेरा फोन कट किए जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत समझ रही हूं? भूपेंद्र मुझे पसंद करता भी है? रिमोट वाली कार है तो मुझे उससे वापस चाहिए थी। बेटा वो तो सुबह सुबह ही चला गया, दो तीन दिन के संस्कार वर्क के बाद लौटेगा। संस्कार वर्क मतलब? बेटा जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर कैसे तुम्हें साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वैसे ही संस्कार वक्त पंडितों का स्कूल होता है, जहाँ पर भगवद गीता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मैं भी जा पाती, घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं भेजे संस्कार वर्क के लिए? अब इसे बताऊंगी कि संस्कार वर्क सिर्फ लड़कों के लिए होता है, तो फिर ये लड़की हजार सवाल पूछेगी। दुआ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, अगली बार तुम भी चले जाना। ओके, श्लोक को इसलिए भेजा ताकि उसे सारे मंत्र आए और मुझे एक भी ना आए, है ना? वो आपका फेवरेट है ना? तो आप, बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए श्लोक और तुम एक बराबर हो, बिल्कुल सेम टू सेम। नानी जान ठीक कहती है कि अम्मी सिर्फ श्लोक से ही प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। आपको बेटा चाहिए था ना, बेटी नहीं चाहिए थी ना? ऐसा नानी जान ने तुमसे कहा? बेटा मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि प्लीज उनकी बातें मत सुना करो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको बेटा चाहिए था ना, तो रहिए श्लोक के साथ, मेरे लिए नानी जान ही काफी है। मेरी अम्मी नहीं है। दुआ, या अल्लाह, मिसेस बे का क्या करूं?
दुआ। मुंह मीठा नहीं करेंगे आलेख जी? क्या बात छा गजाला जी, किस खुशी में? मेरी बेल हो गई क्या? नहीं, ये मिठाई इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है। उस आते दिमाग वाली की इतनी हिम्मत? उसे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? उसकी हिम्मत तो नील और चाहत दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। दोनों ने उसके शादी कराने का जिम्मा अपने सर उठा रखा है। असंभव, असंभव गजाला जी। चप्पल की माला बनाकर पहनाई थी मुझे गले में। इंस्पेक्टर को चीख चीख कर कह रही थी कि गिरफ्तार करो मुझे। मेरे जेल में होने का ये फायदा नहीं उठाने दूंगा मैं उसे। अब आप देखते जाइए गजरा जी, यहां पर बैठे बैठे मैं क्या करता हूं। नवेली की दूसरी शादी तो अब होने से रही। या अल्लाह, नील को आने में तो काफी देरी होने वाली है। एक काम करती हूं, मैं ही दुआ को खाना खिला देती हूं। खुशबू तो आ ही गई होगी तुम्हें। देखो अम्मी ने तुम्हारे फेवरेट ब्लैक चने बनाए बिना प्याज के, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें पसंद है। मुझे नहीं चाहिए। नाराजगी तो अम्मी से है ना, तो खाना पड़ेगा ना। अगर खाना नहीं खाओगे तो फिर दवाई कैसे खाओगे? चलो खाना खा लो। मेरी कोई अम्मी नहीं है, आप तो सिर्फ श्लोक की अम्मी है ना। दुआ बेटा प्लीज खाना खा लो। मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मैं अलकामा आंटी के हाथ से लेके खा लूंगी। लेकिन पानी जमा हो गया तो सीलन की वजह से दुआ को आस्थमा अटैक आ सकता है। अब मैं क्या करूं? ओह नो अलमिया, मामी नवेली अलकू, कोई है? मामी, मामी, ए, क्या हो गया? मामी आप प्लीज जाके ऊपर सोलर पाइप का वॉल्व बंद कर दीजिए, अगर पानी बाथरूम में भर गया तो दुआ को अस्थमा अटैक आ जाएगा। मामी प्लीज। हाय मामी, हाय मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। मामी लेकिन, हाय मैं जा रही हूँ। मैं मामी से क्या ही बात करूं? तुम्हारी अम्मी नहीं हूं ना, तो जाओ बाहर। ठीक है मत बताइए, मैं जाके सो रही हूं।
क्या बताती दुआ बेटा आपको कि तुम्हारी तबीयत ना बिगड़े इसलिए पाइप को लीक होने से बचा रही हूँ। क्या तुम मेरी बात का विश्वास करोगी? चाहत पता नहीं कहाँ है, शायद बच्चों के कमरे में होगी। ये तो हमारे कमरे में भी नहीं है चाहत, ये तो कहाँ है? वो भयंकर चाहत, तुम क्या कर रही हो ये? नील, जाकर ऊपर सोलर पाइप का वाल्व बंद कीजिए जल्दी। हाँ। वो भयंकर चाहत तुम क्या कर रही थी यहां पर? हाँ चलो बाहर आओ, तुम इधर आओ। चलो तुम बताओगी कि तुम टिपटी बरसा पानी क्यों खेल रही थी? अब वो वॉशरूम में लीकेज हो रही थी नील, वो दीवारों में सीलन हो जाती जिससे मॉइस्चर हो सकता था, तो दुआ को एस्थमा अटैक भी तो आ सकता था। चाहत, दुआ को तकलीफ से बचाने के लिए तुम इतनी देर वहां खड़ी रही और दुआ को लगता है तुम अच्छी मां नहीं हो? चाहत, ये बात मुझे जाकर दुआ को बतानी चाहिए। नील प्लीज रहने दीजिए ना, अभी आप दुआ से कुछ भी कहेंगे तो उसे लगेगा कि आप जानबूझकर मेरी तरफदारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि दुआ हम दोनों से अलग हो जाए, जैसे वो मुझसे नफरत करने लगी है। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे भी करे। चाहत, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब वो तुम्हें गलत समझती है। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं और अल्लाह मियां ये बात जानते हैं। आप देखना, एक ना एक दिन दुआ को भी ये बात जरूर पता चलेगी। और नील, दुआ बच्ची है, पता है बचपन में अगर मेरी अम्मी मुझसे पहले मेरे भाई को बचाती तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मैं नाराज नहीं होती? अच्छू, सॉरी। मदर इंडिया हो यार तुम। नील रहने दीजिए। चाहत, ठंड लग जाएगी तुम्हें। नहीं नहीं, आई मैनेज। अब आप एक काम करिए ना, दुआ अकेली है, श्लोक भी नहीं है, तो आप दुआ के साथ सो जाइए आज। जाइए ना।
अगर आधी रात को मुझे तुम्हारी याद आई तो? तो अपनी आंखें बंद करके आहें भर के भगवान को याद करके आप मेडिटेशन करने लग जाइएगा। अरे अरे अरे, अरे 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 बात तो सुनो। जाइए 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 जल्दी जाइए। अरे दुआ के लिए क्या क्या करना है? दुआ ने तो कह दिया कि उसकी कोई अम्मी नहीं है, तो फिर ठीक है, करने देते हैं अब्बू को सारे अम्मियों वाले काम, शायद तभी दुआ को इस बात का एहसास होगा कि मैं उसकी दुश्मन नहीं। नील बिना बच्चे हैं, सारा कंबल ले लिया है और मेरी दुआ कैसे ठंड से ठिठुर रही है। अम्मी, अम्मी मुझे भी श्लोक के साथ नीचे ले चलिए ना, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, अगर अगर ये चैन व्हील टूट गया तो। प्लीज अम्मी, अम्मी प्लीज लेके चलिए ना, अम्मी अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी, अम्मी प्लीज। अम्मी प्लीज। अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी, अम्मी अम्मी प्लीज मुझे ये ले चले ना, अम्मी अम्मी प्लीज। बड़े दिन के बाद आज शेजवान सॉस को सुबह सुबह रोमांस सोच रहा है, मुंह से कभी नहीं बोलेगी कि मुझसे प्यार करती है लेकिन ऐसे ही जवाब दे देगी। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी तरफ से जवाब मिल गया मुझे, मैं अपना जवाब दे रहा था। गलत जवाब। गलत जवाब? हाँ। अरे यार तुम क्या चाहती हो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं ये चाहती हूँ, ये वो लिस्ट है जिसमें लिखा है कि आप पूरे दिन आज दुआ के लिए क्या क्या करने वाले हैं। दुआ की अम्मी क्या करने वाली है? दुआ की अम्मी आज छुट्टी पर है। चाहत, दुआ के लिए नाश्ता नहीं बनाओगी तुम? नहीं नील, दुआ मेरे हाथ का खाना अच्छे तरीके से पहचानती है, वो नहीं खाएगी। चाहत, कल से तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है?
क्या रिश्ता है? तुम अब भी मुझे पति मानती हो या नहीं? अब वो नील। अम्मी मेरी चोटी बना दीजिए। कौन? मैं? हाँ, तो और कौन? आप ही तो बनाती है मेरी चोटी। बनाती थी, अब तो तुम्हारी कोई अम्मी नहीं है। तो एक काम करो, अपने अब्बू से कह दो चोटी बनाने को, वो बना देंगे। लेकिन अम्मी, मुझे क्यों अम्मी बुला रही हो तुम? मैं डॉक्टर चाहत हूँ, अम्मी वम्मी नहीं हूँ कोई।